और पुणे से आ रहे हैं आपके पास लोग, हमें पता चला महाराष्ट्र। और कल हमारे उल्लास जी आए थे आपके पास। सीरियसली मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, मतलब मैं उनको भी नहीं जानती, मतलब ऐसा नहीं है मेरी वीडियो नहीं देखी, मैं मुझे ना नाम से पहचान नहीं होती, मैं जब तक कनेक्ट नहीं हो जाती मुझे मेरा चेहरा याद होता है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। पता था? नहीं पता उनके, मैं सीरियसली नहीं पता उल्लास कमाटे या चिकन लेग पीस वाले कौन थे। उनका वीडियो, मेरे हस्बैंड बहुत बड़े उनके फैन है और मैं देखती रहती हूँ वीडियो, जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं बाबा का नाम लेती हूँ, तो मैं बस वीडियो देखती थी कि यार ये बंदा कितना ज्वेलरी से लदा होता है सारी चीजें। बट सीरियसली वो मेरे लिए फ्लाइट पकड़ के आए, उन्होंने वीडियो और उन्होंने वड़ा पाव खाया, उन्होंने कहा बेटा 50 रुपए क्या मैं इसके 100 रुपए देने को मंजूर हूँ, क्योंकि इतना फ्रेश माल दे दिए तुम, और लोग 20 का भी दे रहे 30 का भी दे रहे, बट एक क्वालिटी मैटर करती है यार। भैया जो मुंबई में रह रहा है बंदा, अगर वो यहाँ पर आकर टेस्ट की तारीफ कर रहा है तो वो रियल तारीफ एक तो हो गई आपकी, है ना? उनका वीडियो आएगा, आ गया एक्चुअल में, एक आ गया, फिर सेकंड वीडियो मेरे साथ कॉलैब करेंगे, उन्होंने कहा पर्सनली तुम्हारे साथ मेरा नंबर वगैरह सब लेके गए। हाँ हाँ, तो दस अगर नेगेटिव बोल रहा है ना और एक बंदा कोई जायज बोल रहा है ना, मैं बस उसको याद रखती हूं। और अगर मुंबई वाला भी बोल दे तो वो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि वड़ा पाव वो खा रहे हैं वहाँ का। मेरे पास कल कानपुर से दो लड़कियां आई हैं चल के, कह रही दी 2 मेट्रो लिया, 1 बस लिया, हमारा बस देखा नहीं जा रहा था, कह रही पर मिलके तो आए। हे कौन ये चंद्रिका घेरा, क्या है घमंडी है, कैसी है? बट लिटरली उसमें लड़की ने कहा था दीदी आपके बारे में इतना लोग गलत बोल रहे हैं ऐसे कैसे, मैंने कहा लोगों की सोच है यार। सही बात।